बिजनौर थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के गंज इलाके में घर से लापता एक बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा की डांग पर पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं बच्चे की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज घर से लापता बच्चे रिहान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा की डांग पर पड़ा मिला। मृतक के घर वाले बहुत ज्यादा गरीब बताए जा रहे हैं। उधर पड़ोसियों का कहना है कि पास ही मंगनी का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान खेलते खेलते बच्चा अचानक लापता हो गया। काफी तलाशने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। आज सुबह लापता बच्चे का शव गंगा की डांग पर नग्न अवस्था में पड़ा मिला है। फिलहाल घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। नवभारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर के चौकी बिदुरपुटी गंज क्षेत्र में कश्यप मोहल्ले के पीछे वन विभाग की जमीन पर जहां झाड़ियां हैं वहां एक बच्चे का शव बरामद हुआ जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है। शव पर कोई चोट के निशान नहीं है, मुंह से उसकी झाग आ रही थी। यह तथ्य संज्ञान में आया कि बीती रात 10 बजे वह बच्चा खेलने के लिए और बच्चों के साथ गया था, घर पे नहीं लौटा। सुबह उसका शव वहाँ पर देखा गया, पंचायतनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब अभियोग का पंजीकरण करके अन्य विधिक कार्रवाई।